जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के बड़ी संख्या में यहां उपस्थित सभी किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने फैसला लेकर के और इस कार्यक्रम को आयोजन करने का काम किया है। मैं देख सकता हूं बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। जहां देख रहा हूं मैदान में मुझे जनवादी के एक एक कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहा है। जहां कार्यकर्ता उत्साह के साथ है, वहीं उसके हाथ में उसका अपना झंडा भी है और ये झंडा लहर रहा है हवा के कारण। ये जो लहरता हुआ झंडा हम दिखाई दे रहा है मुझे, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। और जो आपने आज रैली के माध्यम से संकल्प लिया है कि भाजपा हटाओ, प्रदेश बचाओ, जनवादी क्रांति महारैली जो हो रही है, मैं लहराता हुआ झंडा देख करके कह सकता हूं, यही नारा आज का है कि नहीं चाहिए भाजपा। आज कोई वर्ग हो, आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इतना अन्याय, इतने दुख तकलीफ किसी सरकार ने नहीं दी होगी, इतनी परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता को परेशानी और तकलीफ देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं, वो कभी भी महंगाई नहीं रोक सकते। और आज जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं। हमारे गरीब को पीछे कर दिया, नौजवान क्या भविष्य कुछ नहीं। बताओ नौजवानों, कहां नौकरी है आपके लिए? अगर नौकरी हो तो बताओ। और इधर पढ़ाई पूरी चौपट हो गई, बच्चों की भी पढ़ाई बर्बाद हो गई। इतनी पढ़ाई लिखाई कभी बर्बाद नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई। कोई नहीं पढ़ पा रहा है, ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे। और अगर शिक्षित भी हो जाए नौजवान, तो ना उसके लिए नौकरी है, ना रोजगार का इंतजाम है। कहने को तो दावा कर सकते हैं कि देश की सबसे ज्यादा नई आबादी यहां है, लेकिन इस आबादी को नौकरी कहां मिल रही है? हमारा किसान देख रहा है कि कैसे खुशहाली तरक्की आएगी। गन्ने के किसानों का बकाया है अभी तक, गन्ने का किसान का बकाया अभी तक सरकार नहीं दे पा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा ही है, लेकिन जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ बिल से आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? कौन कम करेगा? अगर कोई कम कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। 2022 का चुनाव आ गया है, सब पार्टियां निकल पड़ी हैं प्रचार के लिए। और इस समय जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है सबको साथ लाने का, एक एक दल को जोड़ने का, उसी कड़ी में हमने आप लोगों को भी जोड़ने का काम किया है। हम आपको जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं। मुझे याद है जिस समय पहला कार्यक्रम हम लोगों ने किया था,
और उस समय कार्यक्रम कर करके बनारस और मऊ में भी कार्यक्रम हुए थे। उसके बाद आप प्रदेश भर में आपके नेता घूमे हैं। डॉक्टर संजय सिंह चौहान गांव जगह जगह गए आपके बीच में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी लोग आपको कदम से कदम पर मदद करने का काम करेंगे, आपके साथ सहयोग दे करके आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर आपको हक देने की बात होगी तो हक दिलाने में भी समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको अगर भागीदारी देने की बात होगी तो समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। यही लड़ाई तो हम लड़ना चाहते हैं, इसीलिए जोड़ रहे हैं, लगातार जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ा है। ओमकार राजभर जी को भी साथ ले आए, महान दल को भी साथ ले आए, कृष्णा पटेल जी का भी दल साथ ले आए, और आप लोग भी साथ हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। हम लोग रंग जोड़ रहे हैं, ये रंगों को जोड़ करके विकास करेंगे। जब अलग अलग रंग जुड़ते हैं तभी अच्छा गुलदस्ता बनता है। ये एक रंग वाले एक रंगी वाले लोग कोई खुशहाली नहीं ला सकते। एक रंग वाले लोग कोई जीवन में किसी के खुशहाली नहीं ला सकते। और फिर बाबा मुख्यमंत्री तो कोई खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ बाबा मुख्यमंत्री ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? अभी भी अपने शिलान्यास किए हुए काम का उद्घाटन नहीं कर पाए, अपना किया हुए काम का भी उद्घाटन नहीं कर पाए। कोई बड़े काम का उद्घाटन किया हो तो बताओ हमें। जब से बाबा मुख्यमंत्री जी आए उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, उत्तर प्रदेश पीछे कर दिया। और ये हारने वाले लोग ही दूसरों का नाम लेते हैं, ये तो हम लोग सब जानते हैं। हारने वाले ही लोग दूसरों का नाम लेते हैं, ये हारने जा रहे लोग हैं और इन्होंने जो जो वादा किया अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं। कोई वादा बड़ा पूरा किया हो तो बता दो। आपके यहां कोई बड़ा काम कर दिया हो तो बता दो। इस सरकार का केवल एक ही काम है, नाम बदल देना, रंग बदल देना, और अभी भी नाम बदल रहे हैं। जब सरकार जाने वाली है तब भी नाम बदल रहे हैं। और इस बार जनता ने ठान लिया है कि इस नाम बदलने वालों को बदल देंगे। जिन्होंने नाम बदले वही बदलने जा रहे हैं। और जब नया मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका भी नया नाम होगा, पुराना नाम नहीं होगा। हालांकि आप लोग में से बहुत सारे लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चल करके आए होंगे, बलिया हो, गाजीपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ वाले लोग एक्सप्रेसवे से चल करके आए होंगे। ये एक्सप्रेसवे आपके लिए बना है। इसके किनारे मंडियां बननी थी, ये मंडी नहीं बनाए हैं अभी। और मंडियां इसलिए बनाना चाहती थी समाजवादी सरकार कि आपके खेत में जो पैदा होगा उसकी कीमत कहां मिलेगी? उसकी कीमत मंडी में मिलेगी। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, देना चाहते हैं कि जब समाजवादी सरकार बनेगी मंडियों को बेहतर करेंगे और कोई न कोई ऐसा ठोस कदम लेंगे कि किसान की लूट नहीं हो, जो पैदावार हो उसकी सही कीमत मिल जाए। अभी तो तीन कानून वापस लिए इन्होंने, तीन कानून इसलिए वापस लिए हैं कि इस बार किसान उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे, किसान उनका जवाब दे देंगे वोट से, इसीलिए तीनों कानून वापस हो गए हैं। अभी तीन ही कानून वापस हुए हैं, अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है जिससे हमारे किसानों को उनकी एमएसपी मिल जाए
और जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी हम समाजवादी लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे गरीबों किसानों के लिए और उन किसानों के आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। इसलिए जब लखनऊ चल करके आए हो, चुनाव से पहले आप लोग चल करके आए हो, तो ये फैसला लेकर के जाना कि लखनऊ में आपकी सरकार हो। बताओ साइकिल वालों की सरकार बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? और हम भी भरोसा दिलाते हैं आपको कि जहां जाति जनगणना की बात है, कम से कम हम लोग जाने तो सही कि हम आबादी में क्या हैं, हमारी आबादी में गिनती क्या है। ये जितनी भी सरकारें हैं कोई जाति जनगणना नहीं कराना चाहेगी। जाति जनगणना करके आपको भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश को खुशहाली पे ले जाने के लिए हम आपसे सहयोग चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ चाहते हैं। इसलिए 22 के चुनाव में ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और आप लोग मन बना लोगे अगर तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। इतनी बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी ने कभी देखी नहीं होगी। जितनी चौहान समाज के लोग अगर आगे आ जाएंगे तो उन्हें ऐतिहासिक हार दिलाने का काम करेंगे। इसलिए बहुत और भी सवाल हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिसमें समाज को देश को भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दिया है। इनके पास नफरत के अलावा कोई और चीज नहीं है, नफरत के अलावा कोई राजनीति नहीं करते ये। इसलिए आज जब आप लोग यहां पर आए हैं लखनऊ में, ये देश की राजधानी है, यहां की तहजीब गंगा जमुनी रही है, यहां भाईचारा रहा है, यहां सब मिलकर के रहे हैं, यही हमारी संस्कृति रही है। इस संस्कृति को कोई खत्म करना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए चुनाव में आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग एक होकर के और सभी वर्गों को जोड़ करके आप समाजवादी पार्टी की तो मदद करना ही करना, वहीं सभी लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उन लोगों को भी जोड़ लीजिए। क्योंकि जो अधिकार बाबा साहब ने दिए, जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, जो सपना डॉक्टर रामलाल लोहिया ने देखा था वो सपना भी पूरा नहीं हुआ है। हम आजादी तो मिल गई, आजाद तो सब हो गए हम सब लोग, लेकिन जो सपना देखा था खुशहाली का, जो सपना देखा था एकता का, वो अभी सपना अधूरा है। इसलिए इस रैली के माध्यम से आप जहां संदेश दे रहे हैं वहीं संकल्प लेकर के भी जाइए कि चुनाव में इन भारतीय जनता पार्टी को हटा करके एक नई सरकार बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बहुत बधाई देते हैं। उनके साथी जो आए हैं दूर दूर हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं इन सबको बधाई देता हूं। मंच पे बैठे हुए जितने नेता कार्यकर्ता जिन्होंने सहयोग करके मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो जनता के बीच में ही हैं, जिन्होंने बड़े संख्या में समर्थन और सहयोग किया है, उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि जिस समय उत्तर प्रदेश में बदलाव की लड़ाई होगी, जिस समय चुनाव होगा, उस समय आप लोग सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेरोजगारी दी है, महंगाई बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, और जिन्हें हक और सम्मान मिल जाना चाहिए था उन्हें हक और सम्मान देने का काम नहीं किया है। हमारे चौहान समाज के लोग पीछे छूट गए, जिनका इतिहास न जाने कैसा इतिहास रहा, जिस समाज से सम्राट पृथ्वीराज चौहान निकले हो उस समाज को पीछे छोड़ दिया हो, वो समाज की कोई गिनती ना हो। इसलिए जहां आपका खोया हुआ सम्मान है, जो खोया हुआ गौरव है, उसको दिलाने का काम हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े होकर के आपका हक भागीदारी और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर
जनवादी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लखनऊ में पहला कार्यक्रम किया है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये यादगार कार्यक्रम साबित होगा। और यादगार कार्यक्रम इसलिए साबित होगा क्योंकि आने वाले समय में सरकार का बदलाव होगा और नई सरकार बनेगी जो आपको सम्मान देने का काम करेगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।